दो चीजें हैं अमरीश जी। एक तो ये कि इस तरह के जो हार्ड सिचुएशंस होती हैं, हार्ड कोर सिचुएशंस होती हैं, उसमें जहां बहुत ही क्रूर किस्म की राजनीति की जा रही है, वहां इमोशनल अपील कितनी हद तक पेनिट्रेट कर सकती है, कितनी मार कर सकती है, वो एक अलग मुद्दा है। आपने दो चीज़ें शुरू में कही थी, हरजिंदर जी से पूछी थी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का कहा आपने, उसके पहले मध्य प्रदेश का भी है। देखिए, वहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं पूरी, और वहाँ दो टू पार्टी सिस्टम है मोटे तौर पर, तो वहाँ कोई इस तरह की ज़रूरत पड़ती नहीं है इस तरह की चीज़ों को करने की। अलावा इसके कि किसानों के लिए कुछ घोषणाएं, ऋण माफ कर दें और तमाम चीजें, उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अलग है, और जिन परिस्थितियों में कांग्रेस को चुनाव लड़ना पड़ रहा है वो वैसा ही है, क्योंकि जैसे कोई विदेशों से आदमी आता है, भारतीय आते हैं दांत ठीक करवाने के लिए भारत में, और वो अपने दांत भी ठीक करवा लेते हैं, आने जाने का खर्चा भी निकाल लेते हैं और वापस भी लौट जाते हैं, और उससे 3 गुना ज्यादा उनको अमेरिका में देना पड़ता है। तो ये मामला ऐसा है कि एक जगह एक प्रोडक्ट को आप किस हिसाब से सेल करते हैं और दूसरी जगह कैसे करते हैं। देखिए, मैं कांग्रेस का संकट अलग किस्म से मानता हूँ। कल जो हमारी बातचीत थी, जिसका इन्होंने जिक्र किया रविकांत जी ने, मैंने कहा था उसमें कि प्रियंका ने एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी को ढूंढा है, और जो कि सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज खत्म हो गई थी, कैप्चर कर ली गई थी उत्तर प्रदेश में, तो उसमें उन्होंने एक महिलाओं की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बची हुई थी उसको उन्होंने पेनिट्रेट किया, जो कि काफी सफल किस्म से है। अब इसमें दो चीजें हैं अमरीश जी, एक तो चुनाव के पहले की है और एक चुनाव के बाद की है। चुनाव के पहले की है कि 40% सीटें महिलाओं को देंगे। अब मेरा सवाल ये है, सप्पल जी बैठे हैं, कि वो 40% महिलाएं कांग्रेस और प्रियंका कहाँ से लाएंगे? वो महिलाएं कहाँ बैठी हुई हैं जो 4 महीने में नेतृत्व प्रदान करेंगी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पॉलिटिकली चैलेंज पैदा करेंगी? दूसरा जो घोषणा है वो चुनाव के बाद की है, कि चुनाव जीत गए तो। अब चुनाव जीत गए में तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 15 लाख रुपए हर एक आदमी के खाते में पहुंच जाएंगे, और 7 साल हो गए, उन 15 लाख का इंतजार किया जा रहा है। तो चुनाव के बाद की घोषणा पर तो किसी का यकीन नहीं रहता है, क्योंकि वो एक बहुत दूर की कौड़ी है और आप कुछ भी कह सकते हैं। फिजिबल है कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल रहता है। 300 यूनिट बिजली या 400 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, वो काफी फिजिबल लगता है जो आम आदमी पार्टी ने किया या अखिलेश कह रहे हैं, या साइकिलों की बात की थी अखिलेश ने, कुछ लैपटॉप वगैरह की भी बात की थी, पर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं जो मुद्दा मैं देख रहा हूं कि अगर प्रियंका, जैसा कि रविकांत जी भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, सप्पल साहब भी कह रहे हैं, कहेंगे अगर नहीं कह रहे हैं तो, कि कांग्रेस काफी आशान्वित है और प्रियंका के आने से बहुत संभावनाएं बनी हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कोलैप्स है अमरीश जी उत्तर जी प्रदेश में, संगठन नहीं है, और अगर प्रियंका आ रही है या कांग्रेस की संभावनाएं हैं, तो लोग जा क्यों रहे हैं कांग्रेस छोड़कर? अगर लोग तो संभावनाओं में अपॉर्चुनिटीज को तलाश करते हैं, और कांग्रेस के बड़े बड़े लोग जा रहे हैं। आज 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, कितने बूथ्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क है,
उसका उसका व्यक्ति नहीं है, उसका जो जो कार्ड है वो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति योगी नहीं है, वो पन्ना प्रमुख है, जो जिसकी तैयारी अमित शाह करते हैं या नड्डा कर रहे हैं, उसकी तैयारी वो विधान से वो लोकसभा के सांसद के जिम्मे है कि अगर आपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारी विधानसभाओं में बीजेपी को नहीं जिताया तो अब आपका जो टिकट है वो खतरे में है। विधानसभा के उन सदस्यों की नौकरी खतरे में है जिनके यहाँ चुनाव हो रहे हैं और जिनको फिर से टिकट चाहिए। कांग्रेस को किस ताकत के साथ लड़ रही है वहां, वो प्रियंका गांधी अकेले इमोशनल अपील के दम पर, जो रवि कांत जी ने कई उदाहरण दिए, जो वो तमाम उदाहरण तो हैं, हम देख रहे हैं, तो वो हम वो दूर वो कांग्रेस को कितनी दूर तक ले जाएंगे और बूथ्स पर कौन पहुंचेगा, लोगों को कौन बाहर लाएगा, चुनाव प्रचार में कौन जाएगा, अकेली प्रियंका क्या क्या करेंगी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो मैं देख रहा हूं कांग्रेस के सामने और जो समाजवादी पार्टी के सामने नहीं है और जो भारतीय जनता पार्टी के सामने तो बिल्कुल नहीं है। तो हम जो देख रहे हैं उसमें प्रियंका की पॉपुलरिटी और योगी की अनपॉपुलरिटी को देख रहे हैं, पर हम बीजेपी की संगठनात्मक ताकत को नहीं देख रहे हैं, आरएसएस के काम को नहीं देख रहे हैं और जो शक्ति वो लगाने वाले हैं आने वाले दिनों में, प्रधानमंत्री एक एक जिले में, एक एक कमिश्नरी में जो जाकर खुद अपने उनका भाषण जो है, कल का जो भाषण है, कल परसों का जो भी है, जिस तरह का भाषण उन्होंने दिया है अपील करने वाला, तो सवाल यह है कि प्रियंका गांधी के अलावा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास बोलने वाला भी कौन सा नेता है। मैं कांग्रेस के नेताओं की तो मतलब जमीनी नेताओं की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, बोलने वाला कौन नेता है, भाषण देने वाला कौन नेता है, गली गली जाकर लोगों को कन्विंस करने वाला कौन नेता है। मैं उस कमियों की बात कर रहा हूं, मैं क्योंकि हम लोगों ने वो जमाना देखा है, इंदिरा गांधी के जमाना भी देखा है और राजीव गांधी का भी जमाना देखा है, तो राजीव गांधी केवल एक इमोशनल अपील थी उनके पास, श्रीमती गांधी की जिस तरह से हत्या हुई थी वो अपील थी, नरसिंह राव के पास भी एक अपील थी, राजीव गांधी की हत्या की अपील थी। आज तो कांग्रेस को संगठनात्मक अपील चाहिए और संगठनात्मक अप्रोच चाहिए, जो कि कांग्रेस ने अपने 10 साल की केंद्र की हुकूमत में पैदा ही नहीं होने दी। तो मैं कांग्रेस के संकट को, मैं प्रियंका गांधी और कांग्रेस के संगठन को अलग अलग देख रहा हूं। प्रियंका की ईमानदारी, उनकी नेतृत्व क्षमता, उनकी घोषणाएं, उनका चैलेंज, उनका करिश्मा सब अपनी जगह है, पर मैं जो देख रहा हूं वो देख रहा हूं कि थोड़ा सा, और मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं और कोई सुन नहीं रहा है, मेरा ये हो सकता है कि ये गलत साबित हो, मैं खुद चाहता हूं ये गलत साबित हो जाए, मेरा कहना कि कांग्रेस जितना मजबूत होगी उत्तर प्रदेश में उतना भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।